हैदराबाद में बीजेपी के शोहरत याफ्ता एमएलए किशन रेड्डी ने आज मरकजी बीजेपी की हुकूमत की आवाज में आवाज मिलाते हुए अपनी भड़ास निकाली और शहर में हुए मुतअद्दिद दहशतगर्दी के वाकयात पर केसीआर हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि शहर हैदराबाद अमन का गहवारा रहा है, उसको बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। और उन्होंने ये भी मुतालबा पेश किया कि बाहरी ममालिक से जो लोग आकर यहाँ पर रह बस गए हैं उन्हें यहाँ से फौरन निकाल देना चाहिए। हैदराबाद पुलिस बिजी है राजनीतिक कार्यक्रमों में, टीआरएस के सेवा करने में, एमएलए को सेवा करने में पुलिस बिजी है, ये टेररिस्टों को पकड़ने में, टेररिस्टों के कार्यक्रम में दृष्टि देने में लापरवाह है। उसके कारण अभी अभी मालूम हुआ, आप लोगों को सब लोग देखे हैं, जो धरना चौक इंदिरा पार्क के पास आम जनता, नौजवान, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयज यूनियन, लेबर यूनियन, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स यूनियन, अनएम्प्लॉयड यूथ, महिला, जो भी समस्या है उधर धरना करते हैं। वो धरना को बयान किया गया, बयान क्योंकि हम धरना चौक में धरना करने के लिए फिर धरना करना पड़ा पॉलिटिकल पार्टीज को, उसके खिलाफ टीआरएस पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर धरना करना है, उसमें पुलिस वालों को बिठाया। अपोजिशन पार्टी के खिलाफ धरना करने के लिए टीआरएस पार्टी के साथ पुलिस वालों को, सर्किल इंस्पेक्टर को, कांस्टेबल को बिठा के प्ले कार्ड पकड़ के धरना करवा रहे। पुलिस को ये काबिल नहीं है, पुलिस को ये खाब नहीं है। इधर आईएसआई का डेन बन रहा है हैदराबाद, इधर म्यांमार से लोग आके इधर बस रहे, बांग्लादेश से आके लोग बस रहे, सोमालिया से लोग आके बस रहे, पाकिस्तान से आके लोग इलीगली इधर रह रहे हजारों लोग, उनको देखभाल करो, उनको निकाल के उनका देश में भेज दो, हैदराबाद को सिक्योरिटी दो, हैदराबाद एक अमन शांति रखो। मगर ये सरकार उसमें ध्यान नहीं दे रहे, अपोजिशन को कैसे दबाना है, डेमोक्रेसी को कैसा दबाना चाहिए, राजनीति को कैसा बढ़ावा देना चाहिए, ये इसमें ध्यान दे रहे। टेररिस्ट से हैदराबाद को बचाने के लिए ये सरकार ध्यान नहीं दे रहे, इसके कारण ये इंसिडेंट हो रहे। मैं फिर एक बार मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूँ, हैदराबाद को बचाना चाहिए, हैदराबाद टेररिस्ट का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो करना है सब कुछ हैदराबाद पुलिस करना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद एक सेंसिटिव है, क्योंकि लगातार हम 15-20 साल से देख रहे देश में जिधर भी बॉम्ब ब्लास्टिंग होता है, देश में किधर भी टेररिज्म एक्टिविटी होता है, उसका प्लानिंग हैदराबाद में हो रहा है, उसका स्ट्रैटेजी हैदराबाद में बन रहे, उसका केंद्र हैदराबाद हो रहा है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, हैदराबाद ऐसी नहीं है। हैदराबाद एक अमन शांति रखने वाला है, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहने वाला शहर है हैदराबाद। इस हैदराबाद को कुछ कुछ लोग, एक चुना हुआ लोग हैदराबाद को बदनाम कर रहे हैं, हैदराबाद टेररिस्ट सिटी है ऐसा सारी दुनिया के सामने बताने के लिए प्रयास करे। इससे पुलिस लापरवाह ना करते हुए इस टेररिस्टों को पकड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो विदेश के लोग इलीगल जो हैदराबाद में रहते हैं उनको अपना अपने देश को भिजाना चाहिए। हैदराबाद में काउंटर इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, हैदराबाद में ऑक्टोपस पुलिस विंग को स्ट्रेंथन होना चाहिए, उनको पूरा इंडिपेंडेंस अधिकार पुलिस को देना चाहिए, उसमें ना मजलिस पार्टी हाथ नकना, ना सरकार हाथ नकना, क्योंकि मजलिस पार्टी जब भी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी होते हैं वो लोगों को, मुस्लिम लोगों को भड़काने के लिए वो बाहर स्टेटमेंट देते हैं, हम लीगल एड देंगे टेररिस्टों को जो पुलिस पकड़े हैं, हम लीगल पैसे देंगे, उनके परिवार को देखेंगे, उनके एनकाउंटर में जो टेररिस्ट मर जाते हैं उनके परिसर में एमएलए जाते हैं। ये बहुत गलत है, मजलिस पार्टी ऐसा नहीं करना चाहिए। टेररिस्ट जितना गलत कर रहे उनको सपोर्ट करके मजलिस पार्टी भी उतने ही गलत कर रहे, इसलिए मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए। हैदराबाद बचाना चाहिए, हैदराबाद एक हिस्टोरिकल सिटी है, हैदराबाद एक इंटरनेशनल सिटी है, हैदराबाद अमन शांति रखने वाला शहर है, इसको बचाना चाहिए। थैंक यू सर।